2019 में जब मैं दुबई आया था तो 35 से 40 दिरहम पर नाइट के ऊपर बनियास स्क्वायर में एक होटल में मैंने स्टे किया, क्योंकि उस टाइम मेरा स्टार्टिंग था। और जब मैं लोगों से पूछता था कि अगर मैं एक ऐसा फ्लैट लूँ या मैं कैसे फ्लैट में रहूँ जिसका व्यू बुर्ज खलीफा हो और डाउन टाउन जहाँ पर डांसिंग फाउंटेन होती है वो मेरे सामने हो, तो लोग कहते थे कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। सो मैंने इस चीज़ का उस टाइम तहिया कर लिया कि एक दिन एक ऐसा फ्लैट होना चाहिए मेरे पास जिसका व्यू बुर्ज खलीफा होगा। और आज मैं ये तहिया करता हूँ कि 2 साल बाद या साल बाद आपके भाई के पास बुर्ज खलीफा में फ्लैट होगा। और बल्कि मैं इससे हमेशा ऊपर सोचता हूँ, आज मैं ये सोच रहा हूँ कि वाई नॉट कि दुबई के अंदर जैसे बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं ऐसे एक उमर टावर खड़ा कर लें। सो ये सारी चीज़ें आपकी सोच के ऊपर है। और अल्लाह ने तमाम लोगों को, दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनको एक मौका देता है अल्लाह कि इस दुनिया के अंदर वो जितनी मेहनत करेंगे वो आगे जाएंगे। नीयत, डेडिकेशन, मेहनत और सही रास्ते के ऊपर चलना, दिल का सुकून भी मिलेगा और रिजक भी देगा। जो बादशाह है इस कायनात का उसके खजानों में कोई कमी नहीं है, आपके काम में कमी हो सकती है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है, वो जिसको जितना चाहे उसको उतना नवाज सकता है। सो मेहनत करें, डटे रहें और बेहतरीन किस्म की मेहनत करें। ये वक्त आपका भी आएगा। अगर आज आप दुबई में हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी हैं और स्ट्रगलर हैं, हिम्मत ना हारें। मेरा 2019 और आपका आज हो सकता है बराबर हो, लेकिन मेरा 2030 या 2027 हो सकता है आपका भी 2027 और 2030 वैसा हो। अल्लाह पाक तमाम नौजवानों को, मेहनत करने वालों को कामयाब करे। जिंदाबाद।